आजादी, समंतवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, समंतवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, भारतीय संघ जिंदाबाद। बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन की मांग को लेकर घेरा कलेक्ट्रेट, मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना नहीं होने दी, 5,000 लोगों का भंडारा भी चला। शिवपुरी जिले के तहसील पिछोर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बनपुरा में कुछ दबंगों ने मंदिर में मां सरस्वती की स्थापना नहीं होने दी, वहीं 4 से 5 लोगों का भंडारा भी नहीं होने दिया, जिसके बाद लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धर्म परिवर्तन की कलेक्टर से मांग की है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार विजय बराहर पुत्र चतुर्भुज बराहर निवासी ग्राम बनपुरा तहसील पिछोर के साथ कई ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और धर्म परिवर्तन की मांग की है। विजय ने बताया कि 21 मई से 2023 को भंडारा एवं मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना होनी थी, जिसके चलते महंत ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री 108 महंत श्री आनंद गिरी महाराज एवं SDM पिछोर ने संयुक्त रूप से सहमति प्रदान की थी। थाना भौंती को सूचित कर ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना शांतिपूर्वक तरीके से करने का आदेश दिया था। इसके बाद संपूर्ण तैयारियाँ पूर्ण कर दी गई थी। 4 से 5 हजार लोगों का भंडारा भी किया गया था। इसी के चलते गांव के कुछ स्वर्ण जाति उपद्रव लोगों ने मूर्ति मंदिर परिसर के बाहर जैसे ही आई, पुजारी पवन कोटिया और उसके छोटे भाई राम बिहारी कोटिया ने मंदिर के प्रांगण का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। हम समाज बंधु व भगवान के प्रति लोगों ने आग्रह किया, पुलिस प्रशासन ने पुजारी को समझाया, लेकिन पुजारी ने किसी की बात नहीं मानी, दबंग लोगों को बुला लिया, हम लोगों को अपमानित किया गया। वहीं समाज भगवान के प्रति आस्था रखने वाले और हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले, धार्मिक धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को ठेस पहुंची है। इसके चलते थाना प्रभारी भौंती और तहसीलदार के कहने पर शांतिपूर्वक कानून का सम्मान करते हुए घर वापस आ गए थे। इसके कारण से आहत होकर आप सभी लोग धर्म परिवर्तन की मांग लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और नारेबाजी की। वहीं विजय ने बताया कि उसके पिता को जाते सूचक गालियां कुछ दबंग लोगों ने दी है और उन्हें अपमानित किया गया है। हिंदू धर्म में होने के बाद भी हमें मंदिर और पूजा से अछूत रखा जाता है। इसी के कारण से सभी ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर धर्म परिवर्तन की मांग की है और उन्होंने कहा है कि प्रशासन को बताने के बाद भी हम धार्मिक कार्य करने में असमर्थ रहे, इसलिए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाकर हमें न्याय दिलाया जाए, ताकि हम लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर नहीं कर सके। राम सखी कहाँ से आई हो? मनपुरा से। क्यों आई हो? जे अछूत के कारण आए, कभी हमसे बिल्कुल अछूत मानते हैं, क्यों छूत मानते हैं, क्या कहा? हमारी पे नहीं बैठ सकते हम। क्या कहा आप लोगों से, किसने कहा? हमने पूरे गांव वाले ने, बड़े बड़े आदमी हैं, जो बड़े बड़े आदमी कह रहे हैं, जैसे सरपंच है बसंत सरपंच है, क्या कह रहा था? सोनी है, सुरेश सोनी है, जे सब यही है। सरपंच ने आपसे क्या कहा? जे कही कि तुम छोत मानते हैं, तुमसे तुम हमारे बराबरी पे नहीं बैठ सकती हो। कब कहा ये? मूर्ति में कही जो, और भंडारे में कही। अच्छा, हाँ, हमें ये कन्या समेत नहीं बुलाई मैंने छोत के कारण। अच्छा, आपकी घर की लड़कियों को कन्याओं में भी नहीं बुलाया जाता? कन्या में समेत छोत घुसी। अच्छा, आप लोग जब वहाँ से गांव से आते जाते हो, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को किस हिसाब चप्पल उतार के जाओगे या जो, ऐसा तो कुछ नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बात भी नहीं हुई है अभी। लेकिन जैसे पहले समय में होता था कि साहब, मतलब आप जैसा आ रहा था। क्या नाम है आपका? हमारा हेमलता नाम है। हेमलता जी, आप मतलब क्या कारण हुआ कि आपको ना धर्म परिवर्तन पे होता? हमें जहाँ मान सम्मान नहीं मिला अगर समाज में, हमें तो हम उसका घर लेके क्या करेंगे जी? जी, हमें अपने अपने समाज में सम्मान की जगह। आप कहाँ पर अपमानित महसूस हुआ? हमारे यहाँ पहले गांव में भंडारा हुआ है, जिसमें हमने सारे समाज को अपमानित किया है, सब लोगों को, हमारे बूढ़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को,
और उसके बाद हम लोगों ने उस मामले को ख़त्म कर दिया। अब हम लोगों का जो पहला बुला हुआ था मंदिर में मूर्ति रखने का, किस देवता की मूर्ति रखना चाह रहे हैं? हम लोग सरस्वती माता की मूर्ति रखना चाहते हैं। वो सब लोग पूछते हैं, यानी कि वो हमारे कोई पर्सनल नहीं है जो जिसमें आपको कष्ट हो या किसी प्रकार की तकलीफ हो, तो उन्होंने हमें वो रखने से इनकार कर दिया। पहले कह दिया था, और जब वो हमने पूरा संगठन करके साथ रखने की तैयारी की तो उन्होंने तैयारी के साथ मना कर दिया है। जी 21 तारीख इसी 21 मई को होना था जो है हमारे पिछोर विधानसभा के समस्त बरहार समाज का, बंसकार समाज का जो अपमान हुआ है ग्राम मनपुरा में। मनपुरा में एक मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, उसमें जो है माँ सरस्वती जी की जो है प्रतिमा ये लोग स्थापित कर रहे थे। उस प्रतिमा को वहाँ के जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ उसमें जनरल कैटेगरी के सभी लोग हैं, उन्होंने जो है प्रतिमा को नहीं लगाने दिया। सिर्फ जो है एक कमेंट किया था कि ये अछूत लोग हैं, अछूतों की प्रतिमा अंदर नहीं जाती, तो उन्होंने अछूतों को शब्द को लेकर बंसकार समाज को वहाँ से बेइज्जत करके, सभी समस्त बंसकार समाज को बेइज्जत करके मंदिर से भगा दिया। और वहाँ का प्रशासन भी मौजूद था, माननीय DM साहब को भी आवेदन दिया था, SP साहब को भी दिया था, वहाँ के माननीय SDM महोदय को भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जो है यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें जो है जिस धर्म में हमारी समाज का सम्मान नहीं है, उस धर्म में हमें रहने का कोई मतलब नहीं है। हमें हिंदू धर्म त्यागना है, और आज हम हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म की परमिशन माननीय DM साहब से लेने के लिए आए हैं। अन्यथा की स्थिति में ये जो है लिस्ट है जिसमें जो है जिन लोगों ने विजित किया है समाज को, ये लिस्ट जो है 29 नाम है इसके अंदर, ये सारे के सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज हो, जो धाराएं बनती हैं उनके ऊपर जब यहाँ से वापस जाएंगे, अन्यथा की यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा नाम विजय बरार है। कहाँ से आए हैं? मैं मनपुरा ग्राम जिला शिवपुरी परगना पिछोर से आया हूँ। अरे यहाँ किस मांग को लेकर आए हैं? बड़ी संख्या में लोग आए, कितने लोग हैं और क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है DM साहब से कि हमें धर्म परिवर्तन करने की अनुमति दी। क्यों धर्म परिवर्तन की आवश्यकता? क्योंकि स्वर्ण जाति के लोग हमें हिंदू नहीं मानते, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, छुआ छूत का भेदभाव करते हैं। अच्छा, आप किस समाज से हैं और किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है? हम बरार समाज से हैं जो कि अनुसूचित जाति समाज में आते हैं। हमने हमारी हिंदू धर्म होने के कारण सनातन धर्म को मानते हैं, और सनातन धर्म को मानने के कारण हम हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पर जो हमारे यहाँ के स्वर्ण जाति के लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करें। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ अभी? अभी मेरे साथ ये घटनाक्रम हुआ था, माँ सरस्वती की मूर्ति, विद्या की देवी जिसको कहते हैं, मैं उसकी मूर्ति मंदिर प्रांगण को दान के तौर पे देना चाह रहा था कि आप इस मूर्ति को दान करें, अपने मंदिर में स्थापित करें, ताकि इस मूर्ति को देख के हमारे ऐसी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इससे प्रेरणा लें कि ये सरस्वती माता देवी की बुद्धि है, हमारे लोग पढ़े लिखे शिक्षित बने ताकि आगे जाके अपना भविष्य तय करें, क्योंकि शिक्षा ही वो सेनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। अच्छा, किस मंदिर में आपने मूर्ति दान की थी? चतुर्भुजी मंदिर मनपुरा में मैंने मूर्ति दान करी थी। वहाँ के जो पुजारी, वहाँ के पुजारी ने कुछ कहा क्या? वहाँ के पुजारी से मैंने पहले अनुमति ली थी, वहाँ के पुजारी ने मुझे स्थान निर्धारित किया था, उस स्थान को हमने पूरा टाइल्स वगैरह लगवा के चौकी वगैरह बनवा के बनवाया था। उसके बाद जब हमारे पूरे कार्ड वार्ड बट गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद इन्होंने एंड कैंप पे हम लोगों को मना कर दिया कि अछूतों की मूर्ति अंदर नहीं जाएगी। कितनी तारीख का प्रोग्राम था ये? 21 तारीख का प्रोग्राम था, 16 तारीख को उन्होंने मना कर दिया था। मेरे पूरे कार्ड वार्ड बट गए थे, हलवाई भी इन्होंने ही पंडित ने, वहाँ के हलवाई हमें बनवाया था कि हलवाई ये बात करो, पंडित भी उनकी इच्छा से हुआ था कि ये वाला पंडित करो, स्थान भी उन्होंने अपनी इच्छा से अंदर हमें बताया था कि ये स्थान है, पंडित भी उन्होंने अपनी इच्छा से बताया था इस पंडित को करो। उन्होंने हमसे स्पष्ट कहा था कि यहाँ मुस्लिम जाति का टेंट नहीं लगेगा मंदिर परिसर में, हिंदू जाति का टेंट लगेगा, तो हमने हिंदू जाति का टेंट भी वहाँ पे जगदीश बेड़िया का कलावत का किया था। तो आपने एक बार पहले भी ज्ञापन दे चुके इस बार? एक बार मैं पहले भी ज्ञापन दे चुका हूँ, उस वक्त पूरे गांव के को बुला के कुछ दबंग लोग आए थे मीटिंग करने के लिए, मेरे पिताजी को जाति सूचक शब्दों से वहाँ अपमानित किया था, जिसका मैं प्रार्थना पत्र दे के गया था 16 तारीख को DM साहब को, SP साहब को, 16 तारीख को थाने में। उस प्रार्थना पत्र पे अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कितना परिवार है जो धर्म परिवर्तन करने वाला है? पूरा बंसकार समाज धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। हम लोगों की करीब 200 के लगभग अभी जनसंख्या अभी वर्तमान में है गांव में, हम 200 लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। किस धर्म में जाना चाहोगे? हम लोग बौद्ध धर्म में जाना चाहेंगे, जहाँ की समानता देखा जाता है कि यहाँ समान धर्म माना जाता है कि सबको कोई छुआछूत नहीं है। बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं क्योंकि सर इन्होंने कहा कि आप लिखित तौर पे परमिशन लेके आओ, इन्होंने जब मना किया, मैं लिखित तौर पे वहाँ ट्रस्ट के जो महंत
हैं जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनसे मैं परमिशन लेके आया। उन्होंने लिखित तौर पे मुझे मंदिर परिसर में मूर्ति लगाने के लिए कहा। उसके बाद मैंने भोती थाने को पुलिस व्यवस्था के लिए मैंने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया जी पुलिस प्रशासन को। उसके बाद मैंने SDM साहब से भी इसकी अनुमति मांगी। सब पूरे अधिकारी वहाँ मौजूद थे सबके सामने। कुछ दबंग लोग के कारण वहाँ मूर्ति नहीं लग पाई। हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया गया और वहाँ पुलिस के कहने पर तहसीलदार के कहने पर शांति व्यवस्था बना रखने के लिए, क्योंकि कानून पे हमारी आस्था है, हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसको मानते हैं, उसकी कदर करते हैं, हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ से अपने घर वापस चले आए। जो कि हमारा 5,000 लोगों का भंडारा का सामग्री जो बन रही थी वहाँ पूरी हम लोगों की खाने पीने का सामान पूरा बर्बाद हो गया। और हम लोग समाज में और अदर समाज में जो इन लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किया है, आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब दें, उसके लिए हमने संघर्ष करने का रास्ता चुना है। इससे पहले ये लोग पहले भी हमारे साथ ऐसा भेदभाव कर चुके हैं। कुछ समय पहले भी गाँव का भंडारा हुआ था जिसमें पूरे भंडारे से हम लोगों को अछूत होने के कारण दूर रखा गया था। ये दोबारा इन लोगों ने ऐसा प्रकरण किया है। वो पूरे गांव का भंडारा था, वो स्वर्ण जाति के लोगों ने किया था। उसमें हम लोगों की एक मांग थी, क्योंकि हमसे बराबरी का चंदा मांग रहे थे। हमने कहा ठीक है, हम चंदा देने को तैयार हैं, पर आज के हिसाब से आप हमें पूजा करने के लिए एक वेदी, हर समाज को आप दे रहे हैं, एक वेदी हमें भी दे दो। किस किस चीज की पूजा होती है? वो चतुर्वेदी महाराज की होती है और पूरे विष्णु भगवान की होती है। एक वेदी की हम लोग की डिमांड थी, उन लोगों ने हमारी कोई डिमांड नहीं मांगी थी, हमें वेदी देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए हम उस भंडारे में हमने जाना सही नहीं समझा और हमने हमें उन लोगों ने बुलाया भी नहीं। छोटी छोटी बच्चियां हमारे